ये भारत का वो इतिहास का वो काला सच है जिसे आज तक कहीं दर्शाया नहीं गया, बताया नहीं गया। इसका शीर्षक है हिंदुओं की दुर्दशा के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। आसाम ब्रह्मपुत्र नदी और घने जंगल का सुंदर प्रदेश चिरकाल से हिंदू राजाओं द्वारा शासित प्रदेश रहा है। आसाम में इस्लाम ने सबसे पहले दस्तक बख्तियार खिलजी के रूप में 13वीं शताब्दी में दी थी। बंगाल पर चढ़ाई करने के बाद खिलजी ने आसाम और तिब्बत पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। अली नामक एक परिवर्तित मुसलमान खिलजी को ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बर्धन कोट बागमती नामक स्थान पर ले गया। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी पर एक विशाल पुल बना हुआ था। खिलजी ने उस पुल को पार करते हुए अपने सैनिक उसकी रक्षा में लगा दी और वह आगे बढ़ गया। अनेक शहरों को लूटते हुए, मंदिरों को मस्जिद में परिवर्तित करते हुए खिलजी आसाम में तबाही मचाने लगा। सन 1203 में आसाम में बंगवन और देवकोट के मध्य खिलजी अपनी सेना को के साथ डेरा डाले। आसाम के राजा ने सुनिश्चित तरीके से अपनी सेना के साथ आराम करते खिलजी पर सुबह हमला बोल दिया। 13 भालों की हिंदू सेना ने दोपहर तक खिलजी की सेना को तहस नहस कर रहा। आक्रमण इतनी तत्परता से किया गया था कि खिलजी अपनी बची खुची सेना के साथ भाग खड़ा हुआ। बचे हुए सैनिक जब वापस ब्रह्मपुत्र नदी के पुल तक पहुंचे तो उन्होंने पाया कि हिंदू राजा ने उस पुल को तोड़ दिया था। एक ओर हिंदू राजा की सेना और दूसरी ओर ब्रह्मपुत्र विशाल नदी। न खाने को अन्न, न लड़ने को शस्त्र, भुखमरी से प्राण निकलने लगे तो अपने ही घोड़े को खिलजी सैनिक मार मार कर खाने लगे। इतने में हिंदू सेना का घेराव बढ़ता चला गया तो अपनी जान बचाने के लिए खिलजी के ने बैलों को मारकर खिलजी ने उन्हें पानी में डुबो कर फुलाया। उन फुले हुए बैल पर बैठकर किसी प्रकार से खिलजी अपने प्राण बचाकर आसाम से भाग गया भागा था। उसके बाद हार से बौखलाया और खिलजी की हत्या उसी के एक मुस्लिम सिपाही ने कर दी थी। हिंदू राजा की सुनिश्चित रणनीति से आसाम का इस्लामीकरण होने से बच गया। यह हार शताब्दियों तक मुसलमानों को याद रही थी। 17वीं शताब्दी में अजान पीर उर्फ मीरा के नाम से 120 संत बगदाद से चलकर शिवसागर आसाम पहुंचे। उसका नाम अजान इसलिए था क्योंकि वह सुबह उठकर अजान दिया करता था। वह निजामुद्दीन औलिया के चिश्ती सूफी संप्रदाय से था। उसने एक अहम असमी लड़की से विवाह किया और आसाम में बस गया। जब उसे दाल नहीं गली तो उसने एक पुराना सूफी तरीका अपनाया। उसने दो भजन लिखे। इन दो भजनों में इस्लामिक शिक्षाओं के साथ साथ आसाम के प्रसिद्ध संत शंकरदेव की शिक्षाएं भी समाहित कर दी। यह इसलिए किया कि आसाम के स्थानीय हिंदू को यह लगे कि अजान पीर भी शंकरदेव के समान कोई संत है। अजान पीर की यह तरकीब कामयाब हो गई। उसके अनेक हिंदू पहले शिष्य बने, बाद में मुसलमान बन गए। उनकी प्रतिष्ठा बढ़ते देख आसाम के हिंदू शासक को किसी ने उसकी शिकायत कर दी कि वह मुगलों का जासूस था। राजा ने अजान पीर की दोनों आंखें निकाल देने का हुक्म कर दिया। अजान पीर की दोनों आंखें निकाल दी गई। एक किरबंती उड़ा दी गई वही कि अजान पीर के दो मटकों एक किरबंती उड़ा दी गई कि अजान पीर के दो मटकों के सामने अपने चेहरे को किया और उसकी दोनों आंखें निकल कर मटके में तैरने लगी। समझदार पाठक आसानी से इस बात को समझ सकते हैं कि पूरी दाल ही काली थी, दाल काली नहीं थी, पूरी दाल ही काली थी। इतने में दुर्भाग्य से राजा के साथ कोई दुर्घटना घट गई। किसी धर्म भीरु ने राजा को सलाह दी कि यह दुर्घटना उस पीर को सताने से हुई है। हिंदू समाज की विफलता का सबसे अहम और सबसे बड़ा कारण यह सलाह देने वाला लोग हैं जो सदा हिंदू राजाओं को या तो अंधविश्वासी बनाने में लगे रहे अथवा अकर्मण्य बनाने में लगे रहे। असम के राजा ने पीर को बुलाकर पश्चाताप किया। उसे शिवसागर के समीप भूमि दान कर राजा ने मठ बनाने की अनुमति प्रदान की। आखिर इस्लाम को अपनी जड़ें जमाने का असम में अवसर मिल गया। जो काम पिछले 500 वर्षों में इस्लामिक तलवार नहीं कर पाई ही वह काम एक सूफी ने कर दिखाया।
धीरे धीरे हजारों लोगों को इस्लाम में दीक्षित कर अनजान पीर मर गया। उसकी कब्र पर एक मजार में परिवर्तित हो गया गई। सालाना उर्स में असम के हिंदू मुसलमानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना माथा उसी कब्र पर पीटते हैं, पटकते हैं। आज भी यह कर्म जारी है। जो काम इस्लामिक तलवार न कर सकी वो एक चुकी ने कर दिखाया। अपने प्राचीन गौरव और अपने संघर्ष को बोलकर मुसलमानों की कब्रों पर सर पटकने वाले हिंदुओं, तुम्हारी बुद्धि का ऐसा नाश क्यों हुआ? धर्म क्या है, ईश्वर क्या है, ईश्वर की पूजा कैसे करनी चाहिए, कब्रों को पूजा करना चाहिए या नहीं, या असम के हिंदुओं को कौन बताएगा? उनके लिए तो मंदिर में मूर्ति पूजा और कब्र पूजा एक समान है। इस आध्यात्मिक खोखलेपन और हिंदुओं की दुर्दशा के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? पाठक स्वयं निर्णय करें। यह तो ज़्यादा अच्छा है।